أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. तमाम किस्म के हमद सना तारीफ किबरियाई बड़ाई उसे अल्लाह वाहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का खालिक मालिक मेरा और आपका मुरब्बी है। उसे अल्लाह के लिए सारी तारीफ़ है, जो गफूर है, गफ्फार है, करीम है, सत्तार है। बाद इसके आपके मेरे आका दो जहाँ के सरदार सरदार अंबिया पर करोड़ा करोड़ अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम हो, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिही व असहाबिही वसल्लम। कबिल अहतराम बुजुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, कुरान मजीद की तीन आयतों की मैंने तिलावत की है, और ये तीनों आयतें चौथे पारे की हैं, सूरे आल इमरान सूरह नंबर 3 उसके रुकन नंबर 18 की ये तीन आयतें, आयत नंबर 176, 177 और 178, 176, 177 और 178। ये आयतें हालांकि इसी मौजू से और उसी उनवा से जुड़ी हुई हैं जो पिछली आयत में जिनका जिक्र है, मगर इन तीन आयतों अल्लाह तबारक ताला ने इस अंदाज से बयान किया है कि तीनों आयतें अपनी जगह पर अपना खुसूसी माना और मफहूम और खुसूसी तशरीह बयान करती हैं। इन आयतों को अगर पिछली आयतों से जोड़कर समझा जाए तब भी माना मफहूम इसका समझ में आ जाएगा, और पिछली आयतों से रब्त कायम न किया जाए और उसको अपनी जगह पर समझा जाए तब भी इसका माना मफहूम समझ में आ जाएगा। इन आयतों में अल्लाह तबारक तआला ने बहुत सारे अनावीन पर अल्लाह तबारक तआला ने गुफ्तगू की है, बहुत सारे अनावीन पर, बहुत सारे मजामीन पर अल्लाह तबारक तआला ने रोशनी डाली है। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत और कुड़न और तकलीफ दावत के मैदान में, दूसरा कुफार जो कुफ्र पर हैं, जो काफिर हैं, उनमें भी अलग अलग दर्जे हैं। कोई कुफर में बिल्कुल इब्तदाई मरहले पर है, कोई उससे कुछ आगे बढ़ा हुआ है, तो कोई बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है। कुफार के कुफर पर अल्लाह तबारक तआला ने रोशनी डाली, और फिर अल्लाह तबारक तआला ने इन्हीं आयात में ये भी कहा कि कुफार का दुनियावी एतबार से मजबूत और ताकत होना इस बात को साबित नहीं करता कि वह अल्लाह तबारक व तआला का भी मुकाबला कर सकते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला को किसी भी एतबार से जरा या नुकसान पहुंचा सकते हो,
उनके दुनियावी माल मटेरियल से ये साबित नहीं होता। फिर अल्लाह तबारक तआला ने इसमें कुफार की आजमाइश किस तरह करता है उसका अल्लाह ने जिक्र किया। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने इस बात का जिक्र किया कि क्या आज जो काफिर हैं क्या वो वाकई कुफर को छोड़कर ईमान को हासिल कर सकते हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि काफिर ये कहे कि मुझे तो इस्लाम पता ही नहीं था, ईमान पता ही नहीं था, तो मुझे जहन्नम में क्यों डाला जाए। तो क्या आज भी या हर वक्त क्या काफिर कभी भी अपना कुफर छोड़कर ईमान कबूल कर सकता है, या उसके पास कोई उज्र मौजूद होगा। उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला ने इसके आयत नंबर 178 में इस बात पर रोशनी डाली कि अगर कुफार को माल दौलत मिलता जाए, खूब दुनियावी तरक्की मिल जाए, तो इससे क्या साबित होता है, इससे क्या ये साबित होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का फजल और करम उन पर है, कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इमहाल और मोहलत दी जा रही है। अगर मोहलत है तो वह किस तरह की है, अगर वो मोहलत और इमहाल है तो वह किस किस्म का इमहाल है। ये चंद नुकात, चंद मजामीन, चंद अनावीन थे जिनका मैंने तस्करा किया, जो इन आयतों में बयान किए गए हैं। बहुत ही सीधा लौह आयतें हैं और कोई तफसीरी आयतें नहीं हैं, बल्कि तदब्बुरी आयतें हैं। तदब्बुर भी कुरान मजीद की दूसरे आयत का मुताल्या करने के बाद इन आयतों को बखूबी समझा जा सकता है। इसके लिए इसका शान नुज़ूल, इसका पसे मंजर और इससे जुड़ी हुई अहादीस वगैरह देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ इन आयतों को समझने के लिए दूसरी आयतों को अगर देख लिया जाए तो ये आयतें समझ में आ जाती हैं। तो बड़ी ही सादा लो आयतें हैं, मगर अंदाज और गहराई और गहराई माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा है। आइए एक एक करके हम एक एक आयत की तरफ बढ़ते हैं। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 176। अल्लाह तआला कहता है वला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्र वला यहज़ुनक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहे आप गमगीन ना हो जाए, वला यहज़ुनक, आप मगमूम ना हो जाए। किस बात से? अल्लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्र, कि ये काफिर लोग कुफ्र में ही बढ़ते जा रहे हैं। यानी जब नबी करीम सल्लम मक्का में मबऊस फरमाए गए, नबी बनाए गए, उस वक्त तो वो कुफ्र पर थे ही, मगर नबी करीम सल्लम की जिस तरह दावत तबलीग बढ़ती गई, चलती गई, तो आप सल्लम को ये उम्मीद थी कि इनका कुफ्र घटता जाएगा, कम होता जाएगा, और उस कुफ्र के बदले ईमान की दौलत उन्हें नसीब होगी। ये उम्मीद थी आप सल्लम की। इसी उम्मीद पर आप सल्लम दावत तबलीग का काम बड़े जद्दोजहद के साथ, बड़ी जाफिशानी के साथ आप सल्लम करते थे। मगर इसका उल्टा भी हुआ। आप सल्लम ने जितना दावत तबलीग का काम किया उतना कुफार अपने कुफर में बढ़ते भी गए। अब जाहिर सी बात है, एक वो शख्स जो अपनी पूरी जानकनी के साथ, पूरी जद्दोजहद के साथ दावत का काम करे और उसका नतीजा अगर उल्टा निकले तो तकलीफ होगी। तो अल्लाह तबारक तआला आप सल्लम की उसी कुढ़न, उसी तकलीफ का यहाँ पर तस्किरा करके कहता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहें आपको कुफार का अपने कुफर में बढ़ जाना आपको मगमूम ना कर दे, गमजदा ना करे, आप गमगीन ना हो, आप गमगीन ना हो। क्योंकि वो जितना भी कुफर में बढ़ेंगे वो अल्लाह उसके रसूल के मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते। इन्नहुम लन यगुरुल्लाह शैआ, क्या कहा अल्लाह ने आगे, इन्नहुम लन यगुरुल्लाह शैआ, के बेशक वो लोग
अल्लाह तबारक व तआला का कोई जरर, अल्लाह तबारक व तआला कोई जरर या कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। काबिल और बात इसमें यह है कि अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह खालिक है, मालिक है, सारे जहान का परवरदिगार है। उसको ये बात कहने की क्या जरूरत है कि कुफार कुफर में बढ़ जाए तो अल्लाह का कोई जरर नहीं कर सकते, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो बिल्कुल जाहिर सी और आम बात है, और नबी को ये बात पता ही है, नबी को ये बात तो पता ही है। नबी का ईमान इतना होता है कि अल्लाह का कोई बाली बाका नहीं कर सकता, फिर भी अल्लाह तबारक तआला ने यह बात बयान की कि काफिरों का कुफर में बढ़ जाना, इंतहा को पहुंच जाना, तब भी उनका कुफर या वो कुफार अल्लाह को जरर नहीं पहुंचा सकते, अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बात अल्लाह ने इसलिए बयान की ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले इत्मीनान हो जाए, इत्मीनान हो जाए कि वो दावत के मैदान में बिल्कुल सही और दुरुस्त हैं, बिल्कुल सही वे और सही रास्ते पर जा रहे हैं। लोगों का ईमान लाना शर्त नहीं है, शर्त यह है कि नबी अपनी दावत तबलीग लोगों तक पहुंचाते रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, अल्लाह तआला ने जो बात बयान की, अगर ये सिर्फ नबी की हद तक होती, सिर्फ नबी को ही बात पहुंचाना होता तो हो सकता अल्लाह तआला ने बात ना कहता, मगर ये बात नबी के जरिए से इस उम्मत मोहम्मदिया के हाथों में आने वाली कुरान है जो कयामत तक रहेगी, और न सिर्फ इसको उम्मत मोहम्मदिया बल्कि हर किस्म के लोग इसका मुतालिया करेंगे, इसको पढ़ेंगे। और कुफार ऐसी किस्म की आयतों का मुतालिया करें तो वो भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या दुनियावी एतबार से कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाए कि हम अपने सृष्टिकर्ता को, अपने पालनहार को क्या हम चैलेंज नहीं कर सकते। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हो गुजरे जब उन्हें दुनियावी एतबार से हुकूमत मिल गई, हर किस्म की कुव्वत और ताकत मिल गई, तो उन्होंने खुदाई का दावा किया और खुदा को चैलेंज किया। ये करने वाले कौन है? यही इंसान है, और ऐसे इंसान भी इस कुरान का मुतालिया करेंगे तो उन्हें ये बात यकीन से समझ में आ जाए कि उनका कुफ्र में बढ़ जाना अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये वजह है कि अल्लाह तआला ने इसको बयान किया, वरना अल्लाह तआला अपने आप के ताल्लुक से कुरान मजीद में कहता है वला यखाफु उकबा। अल्लाह तआला जब चाहे जिस बस्ती जिस कौम को चाहे तबाह व बर्बाद कर दे, वला यखाफु उकबा, और उनके बदला लिए जाने का अल्लाह को कोई खौफ नहीं है। ये अल्लाह वला यखाफु उकबा, वो बदला लेंगे अल्लाह से, अल्लाह की बात का खौफ है ही नहीं, अल्लाह ऐसा है। ये बातें अल्लाह ने इसलिए बयान की ताकि लोग गौर फिक्र करें। आगे अल्लाह कहता है युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरा, और एक मकसद अल्लाह तआला बयान कर रहा है कि नबी की दावत देने के बावजूद, नबी दावत तबलीग का काम करने के बावजूद फिर भी कुफार क्यों कुफर में बढ़े हुए हैं, क्यों नबी की मेहनत कारगर नहीं हुई, बास कुफार पर क्यों नबी की मेहनत कारगर नहीं हुई, फायदामंद क्यों नहीं हुई। अल्लाह तबारक तआला उसकी वजह बयान करता है युरीदुल्लाह, अल्लाह तबारक तआला ने ये इरादा किया है, अल्लाह का ये इरादा है अल्लाह यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरा, के ऐसे कुफार का आखिरत में कोई हिस्सा ना हो। हज़्ज़न कहते हैं हिस्से को, हज़्ज़न कहते हैं फायदा उठाने को, आखिरत में किसी भी एतबार से फायदा न उठा सके अल्लाह का इरादा है। अब एक बड़ा जबरदस्त सवाल यहां खड़ा होता है, आगे के आयतों पर भी यही सवाल खड़ा होता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला, जैसा कि कुरान में आता कि वइदा अराद शैअन यकूल लहू कुन फयकून, सूरह यासीन में, और दूसरे मकाम पर अल्लाह ने कहा कि जब अल्लाह तबारक तआला किसी काम का इरादा करता है तो कहता है कुन फयकून, हो जाए तो वो चीज हो जाती है। अल्लाह की ये कुव्वत और ताकत कि अल्लाह तआला सिर्फ इरादा कर दे और कह दे हो जाए तो वो चीज हो जाती है, तो यहां पर भी अल्लाह तबारक तआला इरादा ही तो कर रहा है, इरादा इस बात का कर रहा है कि इनको आखिरत में हिस्सा ना मिले, आखिरत में कामयाब ना हो,
अब एक काफिर ये उज्र पेश कर सकता है कल के रोज, कल कयामत में, कि अल्लाह तूने ही चाहा था, तेरी ये मशीयत थी कि हमें आखिरत में कामयाबी ना मिले, और जब हम मर गए तो वाकई हम जन्नत में दाखिल नहीं किए गए, क्योंकि तूने हमारे तरफ से ऐसा सोचा था, जो तूने चाहा तो हमारे साथ हो गया, तूने चाहा तो हमारे साथ हो गया। इसका क्या जवाब है? काफिर तो यही एतराज करेगा। और अल्लाह भी कुरान में कहता है, युरीदुल्लाहु अल्लाह यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरा, अल्लाह ने इस बात का इरादा किया है कि इन्हें आखिरत में कोई हिस्सा ना मिले, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और ऐसे काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है, दर्दनाक अजाब। अल्लाह तआला कुफ्फार को उनके कुफ्र में बढ़ने दे रहा है, और इसलिए नबी सल्लम आप गमगीन ना हो, क्योंकि अल्लाह से चाहता है कि उनके आखिरत में हिस्सा ना मिले। इस मामले का क्या हल है? क्यों अल्लाह तआला कुफ्फार को इस तरह चाह रहा है? और जब चाह रहा है तो काफिर जहन्नम में जा रहा है, तो जाहिर सी बात वो एतराज करेगा कि अल्लाह तूने ही चाहा इसलिए आ गया जहन्नम में, वरना मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसका जवाब अल्लाह तआला खुद कुरान मजीद में इसी आयत में बयान करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरादा किया उसका सबब अल्लाह ने बयान किया, वो सबब क्या है? युसारिऊन फिल कुफ्र। यहां पर अल्लाह तआला ने इशारा किया उनके अमल की तरफ, युसारिऊन फिल कुफ्र, वो कुफ्र के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। गोया के ये अमल, ये जरिया, ये सबब है जिसकी वजह से वो कल आखिरत में जहन्नम में जाएंगे। और इरादा क्या है? इरादा अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह की चाहत है, मशीयत, अल्लाह का इरादा, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की चाहत अलग है और अल्लाह की मर्जी अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। अल्लाह का इरादा, अल्लाह की मशीयत, वो तकदीर है, वो कायनात के ताल्लुक से लिखी गई तकदीर है, इसको अल्लाह तआला ने पूरी कायनात की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ने लिख दिया था, 50,000 साल पहले। वो अल्लाह का इरादा, अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह जो जो चाहता था अपनी कायनात के तालुक से अल्लाह ने लिख दिया, तकदीर अल्लाह का इल्म है, अल्लाह जो जो जानता है अल्लाह ने सब लिख दिया। सवाल खड़ा होता है कि जब अल्लाह चाह रहा है ये सब कुछ तो काफिर को ये सजा क्यों? इसलिए क्योंकि अल्लाह की ये मर्जी नहीं है, अल्लाह की रजा, अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की मशीयत में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? अल्लाह तआला ने कायनात की तकदीर लिखने के बाद अगर इंसान को एक कठपुतली बनाता, एक पपेट बना देता और कहता कि मैंने लिख दिया वैसा ही होगा, अब तुम आजाद हो, तो जाहिर सी बात है इंसान के पास एतराज करने के लिए, उज्र पेश करने के लिए कोई बात होती, पर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने कायनात को बनाया, उसकी तकदीर भी लिख दी, साथ ही साथ जब इंसान को पैदा किया वो हदैनाहुन नजदैन, हमने इंसान को दोनों किस्म के रास्ते बतलाए, जन्नत और जहन्नम, यानी इख्तियार का मालिक अल्लाह ने इंसान को बनाया। यानी अब इंसान चाहे तो अच्छा चुन सकता है, चाहे तो बुरा चुन सकता है, ये इख्तियार अल्लाह तआला इंसान को दिया। इसी इख्तियार की बदौलत अल्लाह तबारक तआला ने उसके पास जन्नत का रास्ता भी बतलाया, जहन्नम का रास्ता भी बतलाया, अंबिया को भेजता रहा, उन अंबिया के जरिए से अपनी मर्जी, अपनी मशी, अपनी मर्जी, अपनी रजा इंसानों को बतलाता गया कि ये मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है, नमाज पढ़ोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, शराब पियोगे तो मैं नाराज होऊंगा, हालांकि तुम क्या पियोगे मुझे पता है, मैंने लिख दिया है तुम्हारी तकदीर में, लिख दिया कि तुम क्या पीने वाले हो, क्योंकि तुमको सबसे अच्छा मैं जानता हूं। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह अपनी मखलूक को खाली की बहुत बेहतर जानता है, तो इंसान क्या कुछ जानता है, क्या कुछ करे, अल्लाह ने लिख दिया है, मगर पसंद किसको करता है? अल्लाह तआला, अल्लाह ने कहा शराब मत पियो ये हराम है, सिगरेट मत पियो ये हराम है, अल्लाह उसको ना पसंद करता है। पसंद क्या करता है? उसकी इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए, ये मर्जी है। और ये जो ऑप्शन है, एक काफिर के आगे भी ऑप्शन है, ये रास्ता है, वो चाहे तो अच्छाई को इख्तियार कर सकता है, बुराई से बच सकता है, मगर अगर उसने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया
तो अल्लाह कहता है जा, जिस तरह तूने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया तो उसी में पड़ा रहे। अल्लाह तआला मोहलत दे देता है, ढील दे देता है, ताकि दुनिया में जो मिल रहा है उसको मिल जाए, आखिरत में उसका हिस्सा ना हो। इसके आगे अल्लाह तआला आयत 177 के अंदर अल्लाह कहता है, वही अंदाज है कि इन्नल्लज़ीन अश्तरउल कुफ्र बिल ईमान लन यज़ुरुल्लाह शैआ, कि बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान के बदले कुफ्र को खरीदा, यानी नबी आया उनके दरमियान, नबी ने एक अल्लाह की दावत पेश की तो बजाय ईमान को कबूल करने के ईमान को छोड़ दिया और कुफ्र को कबूल किया, लन यज़ुरुल्लाह शैआ, ऐसे लोग भी अल्लाह को ज़रर नहीं पहुंचा सकते, ऐसे लोग भी अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वलहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसे लोगों के लिए भी दर्दनाक अज़ाब है। उसके बाद आयत नंबर 178 के अंदर अल्लाह कहता है, वला यहसबन्नल्लज़ीन कफरु अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम, बड़ी प्यारी आयत है, इसी बात को अल्लाह तआला कुरान मजीद बहुत से मकाम पर अल्लाह ने बयान किया है। क्या कहता अल्लाह तआला आयत नंबर 178 में, वला यहसबन्नल्लज़ीन कफरु, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है इस गुमान में न रहे, ये न समझे, अन्नमा नुमली लहुम, अन्नमा नुमली, के बेशक हम जो ढील इन्हें देते हैं, जो मोहलत इन्हें देते हैं, लहुम खैर खैर अनफुसहिम, के वो उनके लिए बेहतर है, ऐसा न समझे। एक कुफार जब कुफ्र को इख्तियार करते हैं, औलाद भी ज़्यादा होती है, खूबसूरत औलाद होती है, दौलत पैसा पानी भी आ जाता है, जहाँ एक घर था दो घर दो बिल्डिंगें हो जाती हैं, एक कार थी तो 10 कारें मिल जाती हैं, प्रमोशन पे प्रमोशन होता है। तो अल्लाह कहता है कि जिनको वो लोग जो जिन्होंने कुफ्र किया है, अगर अल्लाह तआला उन्हें ढील दे रहा है, मोहलत दे रहा है, तो वो ये न समझे कि ये उनके लिए बेहतर है। इन्नमा नुमली लहुम, ये जो ढील उन्हें जो दी जा रही है, लियज़दादू इस्मा, ताकि इसी ढील के जरिए से वो गुनाहों में बढ़ते जाएं, गुनाहों में बढ़ते जाएं, वलहुम अज़ाबुन मुहीन, के उनके लिए बड़ा ही जिल्लत वाला अजाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है, जिल्लत वाला अजाब उन्हें मिले। इसमें अल्लाह तआला ने एक बात क्या बयान की कि अगर दुनिया का मालो मता, दुनिया की शोहरत, दुनिया का पैसा पानी अगर इंसान के पास आ जाए, तो इंसान ये न समझे कि अल्लाह का बड़ा एहसान है उस पर, अल्लाह का बड़ा फजल है, ये न समझे, ये अल्लाह की तरफ से ढील हो सकती है, ढील। और इससे जो आजमाइश होती है वो यही कि इंसान ने सब कुछ जब आता है तो इन्हीं को मैनेज करने में, इन्हीं को मेंटेन करने में लग जाता है और अल्लाह को भूल जाता है। जब अल्लाह को भूल जाता है तो गुनाहों में मुलविस हो जाता है, यानी ज्यादा पैसा पानी दुनिया का मालूम मता आने के बाद इंसान इन्हीं के पीछे लग जाता है और गुनाह में मुलविस हो जाता है। गोया कि ज्यादा पैसा आना, ज्यादा मालो दौलत आना इंसान की बड़ी जबरदस्त आजमाइश है कि इंसान नेकी के रास्ते को छोड़ देता है और भूल जाता है और बुराई के रास्ते पर पड़ जाता है। यही वजह है कि अक्सर जितने भी दुनिया में जिनाकोरियाँ आम होती हैं, अय्याश किस्म के नौजवान इसमें मुलविस होते हैं, जिनके पास खूब पैसा पानी होता है, उनके पास कोई रोक टोक नहीं होती, पैसा पानी आता है, माल दौलत आता है, तो आजमाइश में पड़ जाते हैं, बुराई में मुबतला हो जाते हैं। अल्लाह कहता है अगर मैं इन्हें दुनियावी माल मता ज्यादा दूं तो वो ये न समझे कि उनके लिए बेहतर है, बल्कि इससे तो उनकी आजमाइश होती है और वो गुनाहों में बढ़ते चले जाते हैं और यही गुनाह उन्हें आखिरत में जिल्लत का अजाब देते हैं। जिल्लत का अजाब उन्हें पहुँचता है उनके इन्हीं अमाल की वजह से। यही बात अल्लाह तआला कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर भी अल्लाह ने कहा, सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 के अंदर अल्लाह ने कहा आयत नंबर 55 और 56 के अंदर, अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, कि ये क्या ये कुफार ये गुमान करते हैं, अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, कि अगर हम इन्हें ढील दे दें औलाद में और दौलत में। उस वक्त के ज़माने में औलाद का होना बहुत बड़ी नेमत थी, बहुत बड़ी दौलत थी, किसी को दो बच्चे हों
और 5 बच्चे हो जाए तो उसके लिए खुशी की बात थी। आज के ज़माने में 2 से 3 हो जाए तो जिल्लत की बात हो गई है। लोग 2 से 3 औलाद रखना जिल्लत समझते हैं, कहते हैं कि हम खुद नहीं खा पा रहे तो उन्हें क्या खिलाएंगे। मगर पहले ज़माने में अफसल के ज़माने में औलाद का होना एक शान की बात थी, एक दौलत में शुमार होता था उसका। तो अल्लाह कहता अगर हम इन कुफार को दौलत दे देते हैं औलाद की भी, वह माल और माल दे देते हैं, खूब पैसा दे देते हैं, नुसारिउ लहुम फिल खैरात, और वो समझ रहे हैं कि ये पैसा पानी ये माल और दौलत उनके लिए बेहतर है, उन्हें भलाई की तरफ ले जा रहा है, इसको अल्लाह का फजल समझ रहे हैं। बल ला यशरून, असल में इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि ये चीज इनके पास आने के बाद वो आजमाइश में मुब्तला हो रहे हैं, मुसीबतें उन पर ज्यादा हो रही। यही वजह है कि आप देख सकते हैं जितने मालदार किस्म के दौलतमंद लोग होंगे, आमतौर पर उन्हें जब दूर से लोग देखते हैं तो समझते हैं कि बहुत खुश लोग हैं, ये सब कुछ है, हर मांगी हुई चीज है, मगर सबसे ज्यादा दिल बेचैन इन्हीं लोगों का होता है, सबसे ज्यादा अंदरूनी तौर पर परेशान नहीं होते। लोग समझते हैं कि ज्यादा कमाना है खुशकिस्मती की बात है। मैं कहता हूं ज्यादा कमाना खुशकिस्मती नहीं है, जितना आप कमाए उससे कम खर्च करें यह खुशकिस्मती है। एक शख्स है जो महीना 25 लाख रुपए कमाता है, लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्चा है वो 26 लाख है। अब आप बताइए 25 लाख इनकम आप देखेंगे या उसके पास जो बचत है उसको देखेंगे? बेबरकती का आलम है। अगर एक शख्स है तो महीना 10,000 रुपये ही कमाता है, मगर खर्च उसका सब कुछ हो जाने के बाद 2-3 हज़ार रुपये बच जाते हैं हर महीना, तो वो अपनी फैमिली के साथ बड़ा खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके उसकी ज़िंदगी में बरकत है। तो ज़्यादा कमाना ये असल नहीं, लोग कितना कमा रहे हैं और वैसे ही पैसा जा रहा है, बिल्कुल पानी की तरह आता है, पानी की तरह चला जाता है, फिर भी परेशान है, फिर भी इतने हराम के जरिए लोगों ने खोल रखे हैं कि कहीं ना कहीं से पैसा आए, जैसा आता है वैसे हराम के जरिए से पैसा जाता भी है। तो पैसा आना ये खुशकिस्मती की बात नहीं है, यानी कोई अल्लाह का फजल नहीं है, इससे इंसान की आजमाइश होती है और बुराई में मुब्तला होता है। तो अल्लाह कहता है लोग इस तरह से गलत फहमी में है कि जब हम इन्हें माल और दौलत देते हैं तो समझते हैं कि अल्लाह का फजल उनके साथ हो रहा है, अल्लाह का फजल नहीं हो रहा है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश और ढील है ताकि और बुराई में मुब्तला हो। यही वजह है कि बड़े खुशकिस्मत लोग बहुत कम लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह ने माल दौलत भी दिया और उसको अल्लाह के राह में खर्च कर रहे हैं और नेकी और तकवा परहेजगारी पर गामजन भी है, उसी पर टिके हुए हैं। बहुत कम खुशकिस्मत लोग हैं ऐसे, ज़्यादातर लोगों को पैसा पानी मिलता है मगर वो बुराई में मुब्तला हो जाते हैं। यही बात अल्लाह तआला सूरह कलम में बड़े डरावे के अंदाज में कहता है, आयत नंबर 44 में, فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ, اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے فَذَرْنِي, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے چھوڑ دو, فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ, اس شخص کے تعلق سے مجھے چھوڑ دو جو اس بات کو اس کلام کو اس حدیث کو جھٹلاتا ہے, آپ مجھے چھوڑ دو, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ من حيث لا يعلمون, हम उन्हें खींच कर ले जाएंगे ऐसी गुमराहियों में, ऐसी आजमाइशों में, ऐसी परेशान और मुसीबतों में ले जाएंगे जहां उसका गुमान नहीं होता, जहां वो सोच नहीं सकता, ऐसी मुसीबतों में हम उसे ले जाएंगे। क्या मालूम हुआ कि अगर अल्लाह तआला इस्तेदराज करता है, इम्हाल करता है, ढील देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी अच्छी जगह जा रहा है। अल्लाह तआला ऐसे शख्स को बड़ी मुसीबतों में ले जाकर पटकता है। ये बिल्कुल ही आम फार्मूला इस दुनिया का, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा पानी होता है, माल और दौलत होता है, वो बड़ी ही ख़तरनाक आजमाइश में मुब्तला होता है। ऐसी ऐसी बीमारियाँ उनको लग जाती हैं कि दवाखाना जाते ही 1-8 लाख रुपये खर्च करना पड़ता है। मामूली बीमारियां उन्हें बस आई नजर आती है, मगर सालों सालों उसका इलाज चलता रहता है। पैसा आता है तो वो बुराइयां भी लेकर आता है, वो नुकसान भी लेकर आता है। तो अल्लाह ने कहा कि फदर नहीं वो मई युकद्दिब बिहादल हदीस, ऐ मोहम्मद सल्लम आप मुझे छोड़ दो उस शख्स के तरफ जो इस कलाम को झुठलाता है। देखिए इस कलाम को अल्लाह ने किस लफ्ज से नवाजा,
मैं युकद्दिब हादल हदीस, छोड़ दो मुझे उस शख्स के ताल्लुक से जिसने इस कलाम को झुटला दिया। तो कलाम को ले अल्लाह लफ्ज इस्तेमाल किया अल हदीस, मालूम हुआ अल हदीस का मतलब सिर्फ हदीस ही नहीं है, कुरान को भी हदीस ही कहते हैं। कुरान का एक और नाम क्या है? अल हदीस का मतलब कुरान है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं हदीस को मानने वाला हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि खाली बुखारी मुस्लिम को मानने वाला है। अगर कोई शख्स कहता है मैं हदीस को मानने वाला हूँ, इसका मतलब होता है वो कुरान को मानने वाला है और हदीस को मानने वाला है। लोग इसको नहीं समझते, लोग बोलते हैं अगर वो हदीस को मान, अरे वो हदीस, अरे वो नमाज वाले भाई है, हदीस वाले भाई, वो जमात वाले भाई, वो जो है छिलने वाले भाई, वो छट्टी वाले भाई, वो दरगाह वाले भाई, भाई भाई, इन नामों के ऊपर सबको बांट कर रख दिया है। अगर कोई शख्स कहता है मैं हदीस को मानता हूँ, इसका मतलब वो कुरान को भी मानता है और हदीस को मानता है, दोनों को मानता है। क्योंकि अल्लाह ने कहा वो मैं युकदे बिहादल हदीस, इस हदीस को झुटलाने वाले को मेरे तरफ छोड़ दो, मैं ही उसको निपटूंगा। देखो अल्लाह तआला कितना गुस्से में, कुरान को झुटलाने वाला, कुरान का इनकार करने वाला ऐसा है कि अल्लाह तआला से वो दुश्मनी कर रहा है। अल्लाह कहता है मैं उसे ऐसा ही नहीं छोड़ दूंगा, उसको ऐसी जगह ले जाऊंगा कि जहां वो सोच नहीं सकता। जैसे बोलते हैं ना कि इसको तो ऐसी जगह ले जाकर मारना चाहिए जहां पानी भी ना हो। तो अल्लाह तआला कहता है इसको सनस्तदरिजुहुम, हम इसको खींच कर ले जाएंगे ऐसी जगह की सोच भी नहीं सकता, वहां मुसीबत हम इसको डाल देंगे। दुनियावी एतबार से मुसीबतें होंगी और आखिरत में मालूम अदाब अजीम, बहुत ही दर्दनाक अजाब उनके लिए होगा। इसी बात को अल्लाह तआला सूरह तौबा की सूरह नंबर 9 के आयत 55 में अल्लाह कहता है फला तुअजिबक अमवालहुम वला औलादहुम, ए आइन हुसलम, आपको ये बात ताज्जुब न करे, कौन सी? कुफार का माल और उनकी औलाद, माल भी बहुत ज्यादा, औलाद भी बहुत ज्यादा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयात दुनिया, अल्लाह तआला कुफार को इस दुनिया में खूब माल और दौलत देकर ये चाहता है कि दुनिया में उन्हें अजाब दे। देखिए क्या जबरदस्त अल्लाह ने इस्तेमाल किया। हमें समझते हैं जिसको दुनिया माल और दौलत मिली वो तो बड़ा ऐश वाला, ऐश फर्ज इंसान होगा, खुशकिस्मत इंसान। अल्लाह कहता है लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयात दुनिया, हम कुफार को दुनिया में माल और दौलत देकर अजाब देना चाहते हैं। अजाब, वो क्या अजाब है? जब ये आता है तो इंसान परेशान होता है इसको मेंटेन करने में, इसको मैनेज करने में। पैसा आता है तो टेंशन, उसमें से एक रुपया जाता है तो टेंशन, टेंशन ही टेंशन, परेशानी परेशानी। इसी को मैनेज करते हुए, मेंटेन करते हुए, करते हुए यहां तक के वतज़हक़ुहुम काफिरून, अल्लाह कहता है यही काम करते हुए ये कुफ्र की हालत में मरे, अल्लाह ये चाहता है। अल्लाह से दुआ करते रहना, अल्लाह मुझे ईमान की मौत दे, ऐसी मौत दे जिससे तू खुश हो। अल्लाह मुझे इस्लाम वाली मौत दे, पैसा दौलत ये आज है कल नहीं रहेगी, और हर एक के बाद जिसके पास है जरूरी नहीं कि वो खुश हो। अल्लाह मुझे ऐसी जिंदगी दे जो थोड़ी हो मगर खुशगवार हो। अल्लाह मुझे ऐसी जिंदगी दे कि मैं तेरे इस्लाम पर, तेरे दीन पर अमल करूं और तू खुश हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे ऐसी जिंदगी दे जो फकर वाली हो, फकर वाली, इतना कमाऊं कि खाऊं और खर्च हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद दुआएं से मिलती है, खाऊं और खर्च हो जाए। जमा करना कल के लिए, बहुत ज्यादा प्लानिंग करना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें नहीं मिलता। अलबत्ता जिम्मेदारी के तौर आप सल्लम जब माल दौलत ज्यादा हुआ, फतुहात ज्यादा हुई, इस्लामी फतुहात, तो आप सल्लम अपनी अजवाज के लिए एक एक साल का गल्ला स्टॉक रखते थे। एक एक साल का था पैसा तो अजवाज के लिए एक एक साल का गल्ला स्टॉक कर दिया ताकि उसमें से खाते रहे और कोई परेशानी न हो, क्योंकि ये सरबरा है, ये अपने मातहत के जिम्मेदार है, तो उनके लिए ये भी किया। आज मुसलमान ये नहीं सोचता है, हम समझा दो आया खाए बस हो गया। जहाँ ये जरूरत है कि इंसान फक्र आजीजी इनके सारी वाली जिंदगी गुजारे, वहां पर जिम्मेदारी वाली जिंदगी गुजारे। एक रेस्पॉन्सिबल शोहर, एक जिम्मेदार शोहर रहे, एक जिम्मेदार बेटा रहे, एक जिम्मेदार भाई रहे,
अपने मातहत के लोगों के लिए एक एक साल का स्टॉक जमा करने की कोशिश करे ताकि उन्हें परेशान हो। ये आप सुनने की सुनत में ये भी मिलता है। तो अल्लाह कहता है कि अल्लाह तआला कुफार को ये माल और दौलत इसलिए देता है ताकि उन्हें इसी माल और दौलत से उन्हें अजाब करे। अल्लाह कह रहा है आंख बंद करके यकीन कीजिए कि जितने लोगों को इस दुनिया में माल और दौलत मिली है बिलखुसूस कुफार को, अल्लाह उन्हें सख्त अजाब दे रहा है असल में। और इसी को मेंटेन करते करते एक दिन वो मर जाएंगे तो उनकी मौत कुफ्र पर होने वाली, यानी फुर्सत ही नहीं है अल्लाह के बारे में सोचने की, अल्लाह के बारे में गौर फिक्र करने की, अल्लाह की किताब को पढ़ने की। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिसको हिदायत देता है वो कुफ्र की हालत में भी इस कुरान का मुताल्या करता है, अल्लाह का उसे गौर करता है, अल्लाह तआला उसको वहाँ से निकालता है उस दलदल से। वरना अल्लाह का ही तो ये मशीयत, अल्लाह तो ये चाहता है कि वो कुफार अपने माल और दौलत को मेंटेन करने में ही कुफ्र की हालत में मर जाए। इन आयतों से जो बातें समझ में आती वो ये कि मुसलमान को चाहिए कि उतना कमाए जितना इसकी ज़रूरत को है और उतना कमाए जितना मातहत के लोगों को पूरा हो जाए, भले ही वो ज़खीरा अंदोजी के तौर पर ही क्यों ना हो, मगर मातहत को किसी किस्म की परेशानी ना हो, ये प्लानिंग की जा सकती है। और जैसा अल्लाह कहता है कि मुसलम आप कुफार के माल दौलत को न देखो, अपनी आँखों को आंखें इन पर न रखो, ये तो अल्लाह अजाब उन्हें दे रहा है। तो कुफार के पास जो माल और दौलत है वो एक तरह की उनकी आजमाइश और अजाब है। तो पना भी मांगे कि अल्लाह हमें कुफार में न कर, नहीं कुफार के जैसे हमें जिंदगी दे, हमें मुसलमानों जैसी जिंदगी दे जिसके पास थोड़ा होता है मगर वो खुश होता है। अल्लाह दुआ अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।